सिद्धू मूसेवाला के मुख्य हत्यारे गोल्डी बराड़ की आई सफाई, बताया क्यों मारा सिद्धू मूसेवाला को। गोल्डी बराड़ के रिकॉर्डिंग की 10 बड़ी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि दो लड़के जो सिद्धू के दोस्त उस समय थार में बैठे थे वो कैसे बच गए, ये बातें गोल्डी बराड़ ने बताई है अपने इस इंटरव्यू में। तो पहले आप गोल्डी बराड़ के इंटरव्यू की थोड़ी सी लाइन सुनिए, उसके बाद में हम आपको पूरी बातें इंटरव्यू से रिलेटेड बताएंगे, बाद में उस इंटरव्यू को हम पूरा भी आपको दिखाएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के इतने दिन बीत जाने के बाद मुख्य हत्यारे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ की अब सफाई आई है और गोल्डी बराड़ ने एक फोन इंटरव्यू में ये बातें बताई हैं, जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भी और गोल्डी बराड़ का इंटरव्यू भी सुनाएंगे। लेकिन जो भी हो, गोल्डी बराड़ की बातें सुनकर आपको गुस्सा तो जरूर आएगा, क्योंकि उसने इस इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाए। गोल्डी बराड़ ने इस इंटरव्यू में कहा है कि सिद्धू मूसेवाला दुनिया के नजरों में बेशक एक सुपरस्टार था, लेकिन वो एक घटिया इंसान था और हमने उसके किए की सजा उसे दे दी है। सिद्धू मूसेवाला का हमारे भाइयों के मर्डर में हाथ था, हमारे भाइयों की रूह को आज सुकून मिल रहा होगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस इंटरव्यू में सवाल करने वाले पत्रकार गोल्डी बराड़ से सवाल करते हैं कि अगर सिद्धू मूसेवाला को तुमने विक्की मिथुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए मारा है, तो विक्की की हत्या हुई थी 7 अगस्त 2021 को और इस मामले में आरोपी अप्रैल 2022 में पकड़े गए और रिपोर्ट के हिसाब से सिद्धू की हत्या की प्लानिंग पिछले 8 महीने से चल रही थी, तो विक्की की हत्या का बदला कैसे। गोल्डी बराड़ इसके जवाब में कहता है कि हमारी पर्सनल दुश्मनी थी इससे, इसने घटिया काम किया था और इसे इसके कर्मों का हिसाब मिला। गोल्डी बराड़ आगे कहता है कि मेरे भाई गुरलाल बराड़ का कत्ल हुआ था, पुलिस और मीडिया की वजह से हमें हथियार उठाना पड़ा, हमें न्याय नहीं मिला, हमारे खुद के ट्रक कनाडा में चलते हैं, मैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन मजबूरी में हथियार उठाना पड़ा और गैंगस्टर बनना पड़ा। लेकिन गोल्डी बराड़ ने ये नहीं बताया कि सिद्धू मूसेवाला का उसके भाई के मामले से क्या लेना देना था। जाहिर है कुछ भी नहीं होगा, गोल्डी बराड़ बस अपनी सफाई में कुछ से कुछ बोल रहा था। इसके बाद गोल्डी बराड़ ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला को जिसने लॉन्च किया, बाद में सिद्धू मूसेवाला उससे अलग हो गया, 4 गाने इसके चल क्या गए, इसका दिमाग खराब हो गया था, करण औजला के घर पर भी सिद्धू मूसेवाला ने ही गोलियां चलवाई थी। ऐसा गोल्डी बराड़ ने आरोप लगाया कि करण औजला के घर पर जो फायरिंग हुई थी वो सिद्धू मूसेवाला ने ही चलवाई थी। गोल्डी बराड़ ने आगे कहा कि सिद्धू जैसे ही अपने गानों में अपने आप को दिखाता था, असल जिंदगी में वो वैसा ही बनना चाहता था, इसीलिए मारा गया। आगे गोल्डी बराड़ ने यह भी कहा कि सिद्धू मूसेवाला पहले मेरा दोस्त था, हमसे उसकी अच्छी बनती थी, रोज बातें होती थी, लेकिन फिर हमसे ये उल्टा हो गया और आरनेत की सगी बुआ के लड़कों ने विक्की मिथुखेड़ा के हत्यारों को रोटी भी खिलवाई थी, जो सिद्धू मूसेवाला का काफी करीबी भी है। सिद्धू मूसेवाला अपने हर गानों में हमें टोंट मारता था और आखिरी गाने में तो इसने उंगलियां भी दिखाई थी, इससे लगता था कि इसे कोई मार नहीं पाएगा, लेकिन हमने मार दिया। काम थोड़ा मुश्किल था लेकिन हमने कर दिखाया, हमें इस बात का गर्व भी है। हालांकि गोल्डी बराड़ के इस बातों पर देखा जाए तो कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अपने हर गानों में उंगलियां ही दिखाया करते थे और ये उनका स्टाइल था, ना कि किसी को चिढ़ाना या फिर टोंट मारना। अब गोल्डी बराड़ का आखिरी जवाब, जिसे लेकर हर कोई सवाल उठा रहा था कि सिद्धू मूसेवाला के दोस्त जिंदा कैसे बच गए जबकि थार गाड़ी में वो भी बैठे थे, तो इस पर गोल्डी बराड़ ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला को तो हमें मारना ही था, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना था कि कोई बेगुनाह ना मरे। अब गोल्डी बराड़ के इन बातों को अगर देखा जाए तो कह रहा है कि कोई बेगुनाह ना मरे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब वो हैंड ग्रेनेड की बातें आप सोचेंगे कि अगर सिद्धू मूसेवाला AK-47 जैसे हथियार से भी नहीं मरता तो हैंड ग्रेनेड फेंकने की योजना थी, तो हैंड ग्रेनेड फेंके जाने के बाद क्या कोई बेगुनाह नहीं मरता। इसीलिए गोल्डी बराड़ के इन बातों में भी कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। और लॉरेंस बिश्नोई की बातचीत के सवाल को गोल्डी बराड़ खा गया और कहा कि लॉरेंस भाई तो तिहाड़ जेल में बंद है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो मैं लॉरेंस बिश्नोई से कैसे बात कर सकता हूं। एक सवाल हम आपसे करते हैं कि अगर आपने गोल्डी बराड़ की सारी बातें सुनी तो आपको क्या लगता है कि ये कितना सच बोल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा और जाते जाते गोल्डी बराड़ का इंटरव्यू भी आप सुन लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।